अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आड़ू का वनीला फ्लेवर में मज़ेदार सा शेक तैयार है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। और अल्लाह ताला हम सब की बातें, नमाज़ें, रोज़े, दुआएं और कबूल फरमाएं और हम सब की आफियत सवारे, आमीन आमीन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो समर स्पेशल है, पीच शेक विद वनीला फ्लेवर। बहुत यम्मी और टेस्टी है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर पहले आपको ले चलते हैं, ये बनता कैसे है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आड़ू का वनीला फ्लेवर में मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आड़ू। ये आड़ू हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह, अब इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे। हमने ये क्रीम ली है 50 ml, आप ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क शामिल करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क शामिल करने का मकसद ये होता है, इससे ज़रा शेक, जूस जो भी हम तैयार करते हैं उसका जो टेस्ट है ना, ज़्यादा डबल हो जाता है। अब 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, ये भी टेस्ट के मुताबिक आप कम भी कर सकते हैं। अगर आप ये ना भी डालें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि अब आपकी जो क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क है वो भी मीठा है। अब इसमें हम 200 ml फ्रेश मिल्क शामिल करेंगे। वनीला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे। इसमें अब हमने सारी चीज़ें शामिल कर ली हैं, अब हम इसे ब्लेंड करके अपना शेक बनाते हैं। अब हम अपना शेक तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब हम इसमें आइस क्यूब शामिल करते हैं थोड़े से, क्योंकि दूध भी हमारा ठंडा था और क्रीम भी हमारी ठंडी थी, इसलिए हम थोड़े से आइस क्यूब शामिल करेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए इसे मज़ीद ब्लेंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आड़ू का शेक तैयार हो गया है, अब हम इसे ग्लास में सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आड़ू का वनीला फ्लेवर में मज़ेदार सा शेक तैयार है। लें जी, मज़ेदार सा आड़ू का शेक वनीला फ्लेवर में, बहुत मज़ेदार, टेस्टी और ठंडा और क्रीमी मज़ा आ गया। हाँ जी, गर्मियाँ हैं, गर्मियों के हिसाब से बहुत एनर्जेटिक और रिफ्रेशिंग है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी भी कैसी लगी है। सारी बातें बताना तो पड़ेगा, कमर्स करना पड़ेगा, अच्छी तब भी, बुरी है तब भी। मज़ीद हम किस किस्म की रेसिपी आपके लिए लेके आए ये बताना पड़ेगा आपको कमर्स करके। तो उसके लिए पहले तो आपको खासतौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट एंड शेयर भी करना पड़ेगा और खासतौर पे बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।